नमस्ते मित्रों, मैं श्रीमती शारदा बहन हरिभाई बछेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपका सारा है स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हेड स्टार्टर हिंदी सब्जेक्ट की। उसका प्रथम चैप्टर है तेरी है जमीन। इसका प्रकार है प्रार्थना। तो सबसे पहले मैं इसकी कविता के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ कि ये कविता है, ये प्रार्थना गीत है। इसमें ईश्वर के प्रति हमारी जो कृतज्ञता है हम उसको व्यक्त करते हैं। ईश्वर ही सर्वोपरि है, वही बड़ा दयालु है और वही विश्व का संचालन करता है और ईश्वर की सर्वोपरिता को हम स्वीकार करते हैं। तो आज यही प्रार्थना गीत के अंदर इन सब बातों का जिक्र किया गया है। सबसे पहले मैं आपको काव्य पठन करके सुनाना चाहूंगी। तेरी है जमीन, तेरा आसमां, तू बड़ा महरबा, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से आए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्मो जा पाए। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में ये खबर रखना। तेरी है जमीन, तेरा आसमां, तू बड़ा महरबा, तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रख, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। और सबसे बड़ी ताकत वाले तू चाहे तो हर आफत को टाले। तेरी है जमीन, तेरा आसमां, तू बड़ा महरबा, तू बख्शिश कर। तो तेरी है जमीन, तेरा आसमां, हे ईश्वर ये जमीन भी तेरी है, ये आसमां भी तेरा है। तू बड़ा महरबा, तू बख्शिश कर, तो बहुत बड़ा दयालु है, तू हम पर उपकार कर। मेहरबान बख्शीश यानी इस कविता के अंदर बख्शीश का मतलब बैठने यदि क्षमा बताया गया है कि क्षमा करना। हे ईश्वर, तू सबसे बड़ा दयालु है, तू सबसे बड़ा कृपालु है, तू हम पर अपनी दया रखना। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। हे ईश्वर, हम सब तेरे हैं, तू हमारा है, तू हम सब पर दया कर, तू हम सबको क्षमा कर। तेरी मर्जी से आए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, हे मालिक हम तेरी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं। मालिक यानी स्वामी ईश्वर। हे मालिक, हम तेरी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं और तू हमें इस दुनिया में लेकर आया है। तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्मों जा पाए हैं, यानी हे ईश्वर तेरी कृपा दृष्टि से हमने ये शरीर और प्राण पाए हैं। जिस्मों जा, जिस्म यानी शरीर, तो हे ईश्वर तेरी मर्जी से हमने शरीर और प्राण पाए। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में ये खबर रखना। हे ईश्वर, तू तो बहुत बड़ा कृपालु है, दयालु है, तेरी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना, हम किस हालत में है उसकी तू खबर रखना। हे स्वामी, तू इस दुनिया का स्वामी है, ये आकाश तेरा है, जमीन तेरी है, तू हम सब पर कृपा कर, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख, हम पर दया कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। तू चाहे यानी तू चाहे तो हमें जिंदा भी रख सकता है, तू चाहे तो हमें मार भी सकता है, तेरे आगे झुका के सर हम सब आज खड़े हैं। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत को डाले, तेरी है जमीन, तेरा आसमां। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, ओ विश्व विजेता, ओ विश्व रचेता, हम तेरे सामने खड़े हैं। तू चाहे तो किसी भी मुसीबत को टाल सकता है, तू चाहे
सकता है। हे ईश्वर, ये जमीन भी तेरी है, ये आसमान भी तेरा है, तू सबसे बड़ा कृपालु है, तू सबसे बड़ा दयावान है। तो इस कविता के अंदर हम ईश्वर की सर्वोपरिता की बात की गई है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, ईश्वर कुछ भी करता है, सही करता है, गलत करता है, तो वो हमें ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो हम पर आने वाली हर मुसीबत को दूर करता है, हमें हर मुसीबत से छुटकारा दिलाता है। इस कविता के अंदर ईश्वर की सर्वोपरिता की बात की गई।